हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डेली यूज वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आपके इंग्लिश बहुत ज़्यादा आज और अभी से इम्प्रूव होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी या किसी के प्रति सहानुभूति होना। नेक्स्ट इज स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल। नेक्स्ट इज बोदर। बोदर का मतलब होता है किसी को तंग करना। नेक्स्ट इज टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। नेक्स्ट अनदर। अनदर का मतलब कोई दूसरा। नेक्स्ट इज सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना या घुटन। नेक्स्ट इज रॉटन। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ। नेक्स्ट डेफिनेटली। डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से। नेक्स्ट इज नॉट येट। नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं। नेक्स्ट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी। नेक्स्ट इज वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड मीन्स तमीज़दार। नेक्स्ट एनकरेज। एनकरेज मीन्स हिम्मत बढ़ाना। नेक्स्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। नेक्स्ट इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। नेक्स्ट इज गिल्टी। गिल्टी मीन्स अपराधी या दोषी। नेक्स्ट परहैप्स। परहैप्स मीन्स शायद। नेक्स्ट आइदर। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट नाइदर। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद। नेक्स्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। नेक्स्ट समहाउ। समहाउ मतलब किसी तरह। नेक्स्ट ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेक्स्ट एनी हाउ। एनी हाउ मतलब कैसे भी। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। नेक्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। नेक्स्ट ब्लेम। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। नेक्स्ट फेथफुल। फेथफुल मीन्स वफादार। नेक्स्ट रिलाय। रिलाय मीन्स भरोसा करना। नेक्स्ट एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स वास्तव में। नेक्स्ट नोइंगली। नोइंगली मीन्स जानबूझकर। नेक्स्ट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। नेक्स्ट विंक। विंक का मतलब आँख मारना। नेक्स्ट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। नेक्स्ट वंडर। वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट बर्डन। बर्डन मीन्स बोझ। नेक्स्ट प्रेज। प्रेज मीन्स तारीफ करना। नेक्स्ट अननोइंगली। अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में। नेक्स्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स सही ठहराना। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अचानक। नेक्स्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल। नेक्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस मीन्स दोष स्वीकार करना। नेक्स्ट सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स समझदार। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना। नेक्स्ट अग्री। अग्री मीन्स सहमत होना। नेक्स्ट रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित। नेक्स्ट एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स आवश्यक। नेक्स्ट एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। नेक्स्ट रिस्की। रिस्की मीन्स खतरनाक। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव करना। नेक्स्ट प्योर। प्योर मीन्स शुद्ध। नेक्स्ट श्योर। श्योर मीन्स ज़रूर।
नेक्स्ट नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स अनिवार्य। नेक्स्ट एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक। नेक्स्ट अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। नेक्स्ट नोबडी, नोबडी मीन्स कोई नहीं। नेक्स्ट नो वन, नो वन मीन्स कोई भी नहीं। नेक्स्ट एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। नेक्स्ट एवरीवन, एवरीवन मीन्स हर कोई। नेक्स्ट समवन, समवन मीन्स कोई व्यक्ति। नेक्स्ट लिस्प, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। नेक्स्ट इज स्टैमर, स्टैमर मीन्स हकलाना। नेक्स्ट विस्पर, विस्पर मीन्स फुसफुसाना। नेक्स्ट इज शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। नेक्स्ट नैप, नैप मीन्स झपकी लेना। नेक्स्ट नर्वस, नर्वस मीन्स घबराहट। नेक्स्ट ब्लश, ब्लश मीन्स शर्माना। नेक्स्ट डिजी, डिजी मीन्स चक्कर आना। नेक्स्ट अनइजीनेस, अनइजीनेस मीन्स बेचैनी। हमारा आज का लास्ट वर्ड है वाइल, वाइल मीन्स जबकि। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली यूज वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने इजी थे। अगर एक बार आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।